आप लोग, मैं हूं दीप और आज का हमारा टॉपिक है इंटेल ने जो 8 जनरेशंस के प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं वो। तो ये 8 जनरेशंस के प्रोसेसर 7 जनरेशन से कितने फास्ट है और क्या हमें 8 जनरेशन के प्रोसेसर्स खरीदने चाहिए, आइए जानते हैं इनके बारे में। फ्रेंड्स, आपके सामने जो इमेज आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि इंटेल ने अपने 8 जनरेशन में कौन कौन से प्रोसेसर लॉन्च किए हैं और इनका क्लॉक स्पीड क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अलग अलग प्रोसेसर के क्लॉक स्पीड ये है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि इंटेल ने 6 प्रोसेसर लॉन्च किए हैं और ये सभी के सभी डेस्कटॉप प्रोसेसर हैं। i3 में 2, i5 में 2 और i7 में 2, जिसमें से 3 है ओवरक्लॉकेबल यानी कि के सीरीज के प्रोसेसर। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इन प्रोसेसर के बारे में और क्या ये राइजन 7 को टक्कर दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने इमेज में जैसे देखा कि इंटेल ने इस बार अपने प्रोसेसर में हर प्रोसेसर को एक्स्ट्रा 2 कोर्स दिए हैं, जैसे कि i3 में 4 कोर 4 थ्रेड हो गया है और i5 अब 6 कोर 6 थ्रेड का हो गया है और i7 6 कोर 12 थ्रेड का हो गया है। तो इंटेल ने अचानक अपने कॉफी लेक प्रोसेसर में 2 कोर्स एक्स्ट्रा क्यों दिए। फ्रेंड्स, इंटेल ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन हम तो ये समझ ही सकते हैं कि राइजन निकलने के बाद ही इंटेल ने अपने कॉफी लेक प्रोसेसर में 2 कोर्स एक्स्ट्रा दिए है हमको हर प्रोसेसर में। तो फिर हाँ, इंटेल ने चाहे जो भी कहा हो कि हमने तो मैन्युफैक्चर पहले से ही शुरू कर दिया था। हाँ, ये तो सही बात है कि प्रोसेसर का मैन्युफैक्चर बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इंटेल को शायद भनक लग गई होगी कि एएमडी का राइजन आने वाला है और इंटेल अपने मार्केट फिर से कैप्चर करने के लिए अपने कॉफी लेक प्रोसेसर में 2 कोर्स एक्स्ट्रा दिए है। फ्रेंड्स, हम तो जानते ही है कि गेमिंग में इंटेल का 7 जनरेशन का 7770K प्रोसेसर गेमिंग किंग था और ये 8700K तो उससे 25% ज्यादा एफिशिएंट है। तो फिर ये तो नया गेमिंग किंग हो ही गया और इसमें 6 कोर होने की वजह से ये राइजन 1700X को भी गेमिंग में और मल्टीटास्किंग में पछाड़ देगा। फ्रेंड्स, इंटेल का जो 8 जनरेशन का i5 प्रोसेसर है जो है 8400 और 8600K, ये पिछले जनरेशन के i5 प्रोसेसर को तो पछाड़ देता ही है और इसका परफॉर्मेंस भी पिछले जनरेशन के i7 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें 2 फिजिकल कोर्स ज्यादा है। तो फिर इस साल आपको i5 में परफॉर्मेंस और भी ज्यादा मिलेगा। फ्रेंड्स, इंटेल का 8 जनरेशन का जो i3 प्रोसेसर है जो है 8100 और 8350K, इसमें 8100 तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है जिसमें 2 फिजिकल कोर्स आपको पिछले जनरेशन से ज्यादा मिलते हैं। तो फिर इसमें आपको परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलेगा और ये 8350K में भी आपको 2 कोर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन ये उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। तो फिर फ्रेंड्स, आप 8350K की तरफ ना ही देखे तो अच्छा है। इंटेल के 7 जनरेशन के प्रोसेसर राइजन के सभी प्रोसेसर को गेमिंग में तो पीछे छोड़ ही दे रहा था और अब ये 8 जनरेशन आने के बाद राइजन के प्रोसेसर को ये मल्टीटास्किंग में भी पीछे छोड़ देगा। फ्रेंड्स, ये इंटेल के 8 जनरेशन के प्रोसेसर 40 नैनोमीटर प्लस प्लस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है और ये 40 नैनोमीटर के ऊपर बनाया जाने वाला इंटेल का 3rd प्रोसेसर है, यानी कि पहले का स्काईलेक भी 40 नैनोमीटर के ऊपर था, ये काबी लेक भी 40 नैनोमीटर प्लस टेक्नोलॉजी के ऊपर था और ये कॉफी लेक भी 40 नैनोमीटर प्लस प्लस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो ये 40 नैनोमीटर के ऊपर बनाया जाने वाला इंटेल का सुपर स्टेबल प्रोसेसर है जिसमें आप मेगा मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप वीडियो रेंडरिंग, गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो अपलोडिंग सब एक साथ कर सकते हैं इस प्रोसेसर में। फ्रेंड्स, ये इंटेल के 8 जनरेशन के प्रोसेसर लॉन्च के साथ आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इंटेल के 8 जनरेशन के प्रोसेसर में LGA1151 सॉकेट होने के बावजूद भी ये पुराने जमाने के यानी कि जो पुराने जनरेशन के चिपसेट के मदरबोर्ड है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ये लेटेस्ट जनरेशन की इंटेल के Z37 मदरबोर्ड को ही सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो मदरबोर्ड में बजट रेंज का किंग था H110M, ये उस मदरबोर्ड को भी सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि फ्रेंड्स, ये 100 और 200 सीरीज का कोई भी मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, जब तक बजट रेंज का किंग नया किंग H310M नहीं आ जाता, तब तक आप इस प्रोसेसर में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि Z370 एक बहुत ही महंगा मदरबोर्ड है और अगर आपको लेना ही है तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इंटेल के 8 जनरेशन के प्रोसेसर के ऊपर ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो और भी देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन एनेबल कर दीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो फ्रेंड्स, बाय।